बारिश के दौरान चिड़िया के घर में चोरी। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक अनोखे गांव में एक आकर्षण पुराना घर था। यह घर किसी अन्य जैसे नहीं था। इसके पीछे एक चिड़िया का घर था, जो पक्षियों की भिन्न भिन्न प्रजाति बिना डरे उस घर में रह सकती थी। घर के मालिक पक्षियों के घर बनाने में बहुत ही गर्व महसूस करते थे, जो यह सुनिश्चित करते थे कि पंख वाले पक्षियों को आकर्षण करने के लिए मेवे को भरना होगा। एक बरसात की दोपहर जब आसमान में काले बादल छा गए, मिस्टर कालू अपने फायर प्लेट के पास बैठकर एक गर्म चाय की कप की चुस्की ले रहा था और खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंद की सुखद आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर उसके पक्षी घर में बहुत ही बड़ी परेशानी हो रही है। मिस्टर कालू एक दिन से एक शरारती चोर ने पक्षी घर पर नजर रखे हुए था और हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था, और लगातार हो रही बारिश के कारण चोर को अपना मौका मिल गया। अंधेरे और बारिश की तेज गड़गड़ाहट की आवाज में वह पक्षी घर के पीछे के दरवाजे से घुस गया। उसने पक्षी घर में मौजूद सभी खजाने को चुराने का निश्चित किया। पक्षी घर में सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए एकत्रित हो गए। कुछ गड़बड़ होने पर वह उत्सुकता से चहकने लगे, लेकिन उनके छोटे छोटे दिल धड़कने लगे जब उन्होंने कदमों की धीमी आवाज़ सुनी। चोर ने मंद उजाले में अपनी चालाक आंखों के साथ अपना हाथ चिड़ियाघर पर बढ़ाया। उसने तेजी से दरवाज़ा खोला और पक्षियों को चौंकाते हुए अंदर घुस गया। वे घबराहट में फड़फड़ाने लगे और घुसपैठिया के चंगुल से भागने की कोशिश करने लगे। इस बीच मिस्टर कालू बाहर चल रहे नाटक से बेखबर थे, शांति से अपनी चाय का आनंद ले रहे थे। जब उन्होंने पक्षियों की चहचहाहट सुनी, तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। वह तेज बारिश का सामना करते हुए तेजी से पक्षी घर के दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही वे पक्षी घर पहुंचे, उसे एक ऐसी दिशा देखने को मिली कि उसे उसने भय से भर दिया। चोर अपने कंधे पर एक बोरा लटकाते हुए उसमें पक्षियों के लिए रखे गए कीमती मेवे और बीज रखे हुए थे। चोर का सामना करते ही मिस्टर कालू को बहुत तेजी से गुस्सा आने लगा। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं? वह चिल्लाया। उसकी आवाज़ तूफानों के बीच गूंजने लगी। चोर बेहोश हो गया और रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन वह तुरंत ही शांत हो गया और मुस्कान बिखेरने लगा। बस कुछ चीज़ें उधार ले रहा हूँ बूढ़े आदमी, कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने लापरवाही से उत्तर दिया। मिस्टर कालू का खून गुस्से से उबलने लगा। इस चोर ने पक्षियों को डराने की हिम्मत कैसे की? तेज गीतों से तेज बारिश में चोर से जूझते हुए दोनों व्यक्ति बारिश में झपट्टा मार के कुश्ती लड़ने लगे। प्रत्येक ने विजय होने का निश्चित किया, लेकिन जैसे ही टकराव आखिरी चरण पर पहुंचे, आकाश में बिजली और बहुत तेजी से बादल गड़गड़ाने लगे। अचानक तेज उजाले और आवाज से चौंककर चोर का पैर फिसल गया और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया और चिड़ियाघर में घुस गया, जिससे लकड़ियों के टुकड़े सभी दिशाओं में उड़ गए। जमीन पे गिरते ही चोर दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी गलती की कमाई उसके चारों ओर बिखर गई, उसकी स्वतंत्रता बेहाल हुई। और जैसे जैसे बारिश जारी रही, मिस्टर कालू पक्षी घर के खंडहारों के बीच में खड़े रहे। उसके अंदर भावनाओं का मिश्रण घूम रहा था। उसका डर नष्ट हो गया था। वह जानता था कि उसने उसे नुकसानों से बचाया है।
जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा तो उसे पता चला कि उज्जवल दिन आ गए जो अपने साथ नई शुरुआत का वादा लेकर आया है, और इसलिए बारिश और खंडहरों के बीच बहादुरी और लचीलेपन की एक कहानी सामने आई जिसने उसे देखा सभी लोगों को याद दिलाई। सबसे अंधेरे समय में भी आशा हमेशा कामयाब रही।